नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने धमकी दे दी है। जी हाँ, पप्पू यादव जो फिलहाल इस वक्त DMCH में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है, वह जेल चले गए थे। उनकी गिरफ्तारी हुई थी कुछ हफ्ते पहले। आपको पता है पटना में कितना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। ये बताया गया जब कि 32 साल पुराने मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब पप्पू यादव ने अररिया के सांसद प्रदीप सिंह को कहीं ना कहीं धमकी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये अल्टीमेटम दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें। क्यों कार्रवाई करें? देखिए, इन दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के MP प्रदीप सिंह पहुँचे थे प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पर। अररिया जिले की ही घटना है जहाँ पर उन्होंने पूछना चाहा कि आखिर उनके क्षेत्र के जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, क्या वो वैक्सीन ले रहे हैं या नहीं। तो वहाँ पर मौजूद स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा बताया जाता है कि नहीं ले रहे हैं वो वैक्सीन। सीधा सीधी अल्पसंख्यक समाज को उस वीडियो में वो टारगेट करते हुए दिखते हैं, मुस्लिम समुदाय को वो टारगेट करते हुए दिखते हैं। और ये तक कहा जाता है कि उन्हें मारते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं मार पीट देते हो। ये तमाम बातें एक वायरल वीडियो जो कि इन दिनों लगातार फेसबुक और व्हाट्सएप पर घूम रहा है, तैर रहा है, उस पर सामने निकल के आई हैं कि उस वीडियो में प्रदीप सिंह क्या कुछ कह रहे थे। हालांकि ये वीडियो एक महीने पहले के बताया जा रहा है, अप्रैल माह का बताया जा रहा है। ऐसे में अब उस वीडियो को लेकर बवाल जो है वो खड़ा होना शुरू हो चुका है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो क्या लिखते हैं, तस्वीर देखिए। उन्होंने लिखा है कि अररिया की एक बेटी सोनी को कोरोना से मरी अपनी माँ को दफनाना पड़ा, तब अररिया का BJP MP गधे के सिर से सिंह की तरह गायब था। ऐसे में आज यह अल्पसंख्यक समाज के लोगों को काट देने, दंगा कराने की धमकी दे रहा है। नीतीश जी, इसे अरेस्ट करवाएं वरना जेल से बाहर आने के बाद हम इसका मानसिक उपचार कर देंगे। यानी कि साफ साफ इस धमकी को आप समझ सकते हैं। पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं अल्टीमेटम भी दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह भी किया है कि जल्द से जल्द ऐसे MP पर कार्रवाई कराया जाए, इन्हें अरेस्ट कराया जाए। BJP के MP हैं प्रदीप सिंह। और जिस वीडियो का हमने जिक्र किया वो सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहा है। कई एक निजी चैनलों ने भी इस वीडियो को चलाया है। हालांकि वीडियो कितने हद तक सत्य है, कितने हद तक सत्य नहीं है, ये तो प्रदीप सिंह ही बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो जो वायरल किया गया है वो BJP के ही एक कार्यकर्ता द्वारा वायरल किया गया है। और ये बताया गया है कि देखिए कैसे किसी एक समुदाय को लेकर, अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर BJP MP प्रदीप सिंह ये कह रहे हैं कि उन्हें मारते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं उन्हें मारते पीटते हो। यानी कि स्वास्थ्य केंद्र पर जाके आप ऐसी राय दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं बिहार में वैक्सीनेशन अभियान में एक तो सुस्ती देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते रहते हैं अक्सर जनप्रतिनिधियों से कि लोगों का हौसला बढ़ाएं, लोगों को कहें कि आप बढ़ चढ़ कर इस वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लें। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन लग रहा है वो अब तक कभी नहीं रुका है बीच में। हाँ, 18 से 44 साल वाले लोगों को जो वैक्सीन लग रहा है उसमें बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, हालांकि फिर से वैक्सीनेशन अभियान जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में BJP MP प्रदीप सिंह का ये तक कह देना और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है वो बड़ी बात है। पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो ने साफ साफ कहा है कि जेल से बाहर आएंगे और मानसिक उपचार कर देंगे। क्या कुछ लिखा है उन्होंने ट्विटर में, आपने तस्वीरें देखी हैं। मानसिक उपचार करने की बात करें तो कहीं ना कहीं एक कह सकें इसे धमकी भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यह आग्रह भी किया गया है और BJP MP को एक तरह से इशारों में धमकाया भी गया है। पप्पू यादव की बातों को आप समझते हैं कैसे। हाल ही में उन्होंने छपरा के अमनौर जाकर कई सारे एम्बुलेंस जो ढक कर रखी हुई थी उस पर से पर्दा उठाया था, इसके बाद कितना बवाल हुआ। ये तक कहा गया कि राजीव प्रताप रूडी बातों को छुपा रहे हैं, तथ्यों को छुपा रहे हैं। हालांकि राजीव प्रताप रूडी ने भी प्रेस मीडिया के सामने आकर अपनी बातों को रखा था। लेकिन अब BJP के MP प्रदीप सिंह को लेकर के नया बवाल होना शुरू हो चुका है और क्या कुछ बातें सामने निकल के आ रही हैं आप समझ रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या होता है आगे आने वाले दिनों में इस वायरल वीडियो पर प्रदीप सिंह क्या कहते हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।